नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। इछावर विधानसभा क्षेत्र का गांव कोटा कुर्सी सुर्खियों में तब आया जब यहां के ग्रामीण अपने गांव की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचे थे, लेकिन जब वह विधायक से मिलकर वापस अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर ट्राली एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई ग्रामीण घायल हो गए थे। वहीं गाँव कोटा कुर्सी आज भी सड़क पानी की समस्याओं को लेकर परेशान है। आदिवासी समस्याएं दूर दूर से रिटेक आदिवासी महिलाएं दूर दूर से पानी के लिए भटकती हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पंचायत व सरकार की ओर से ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था की गई है। जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगाने के बाद भी अभी तक ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इछावर से केकेआर न्यूज के लिए जलील खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादीराम। ये रोड की क्या समस्या आपके गांव में? साहब हमारे यहाँ पे कभी बीमार दुखी हो जाते तो साहब हम पीठ पे लाद के ले जाते यहाँ पे अपने सोनखेड़ा और देरिया की रोड पे जाके ले जाके गाड़ी पे बैठा तो फिर ले जाते। साहब इतना कीचड़ होता, सब इतना होता, बस यहाँ कच्ची जगह में हम बहुत परेशानी पड़ती। बारिश में भी और कोई मरीज या कोई डिलीवरी केस हो जाता साहब तो हमको कंधे पर पीठ पे लाद के लेना पड़ता। और ये कच्ची जगह पर सब ना गाड़ी चलती, घोड़ा जाता ना कोई भी आता जाते हैं। सब बहुत परेशानी है यहाँ की पब्लिक को और हमें जाने आने में पैदल से भी परेशानी पड़ती। गाड़ी घोड़ा तो जाती नहीं सब बारिश में तो कच्ची जगह कारण से। इसकी शिकायत आपने अधिकारी कर्मचारियों से की? सर हमने विधायक साहब भी यहाँ पे गए थे और सब जितने सरपंच साहब बने उनको बोला सब आज से कम से बहुत सालों से हम तो यहाँ 60-70-80 साल से पेड़ दस ऊपर आज तक कुछ वही नहीं हुआ। हमारे रोड नहीं है, रोड कुछ नहीं हुआ सर। ठीक, फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।